व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आपकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल नाइन व्लॉग। तो गाइस आप सब सुनाएं, आप सब कैसे हैं, और खुदावंद आप सबको हमेशा खुश रखे। तो लास्ट वीडियो में मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, फीवर भी हो गया था, गला ख़राब था। तो आप लोगों ने इतने अच्छे से कमेंट किए, खुदावंद ने मुझे शिफा और तंदुरुस्ती दे दी है। आप लोगों ने इतनी प्रेयर की, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज है संडे, तो आज है संडे स्पेशल व्लॉग। तो आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी संडे, आज का दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो गुड मॉर्निंग हो चुकी है, तो अभी अभी मैं उठी हूँ, अभी फ्रेश हुई हूँ, तो चर्च भी नहीं जा पाई मैं। तो अभी बनाने लगी हूँ नाश्ता। नाश्ते में क्या बनाती हूँ आपको दिखाती हूँ, आप ये हमारे साथ साथ बने रहना है। आज कुछ स्पेशल बनने वाला है नाश्ते में, तो चले आए अभी करते हैं नाश्ते की तैयारी। किचन मैंने रेडी कर लिया है, बर्तन वगैरह वॉश करके मैंने रख लिए हैं, तो अभी बनाते हैं नाश्ता। तो चले आप ये हमारे साथ बने रहें। तो चले व्यूअर्स, संडे स्पेशल नाश्ता हमारा शुरू हो चुका है। दाइम के पापा कर रहे हैं आलू क्रश, मैंने बॉईल कर लिए थे आलू, तो अभी कर रहे हैं क्रश। और दाइम की भी मॉर्निंग हो गई। और ये है मैदा, मैदे में मैंने कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला थोड़ा सा और सूखा धनिया सब ऐड कर लिया है। और ये आलू भी हमारे क्रश हो चुके हैं। थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि मैंने आज क्या बनाया है, आलू की बनाई है पूड़ियाँ। एक तो सादा पूड़ी होती है, एक आलू वाली पूड़ी होती है, और ये बहुत यम्मी बनती है क्योंकि मैंने तो अभी खा ली है। तो इसमें ऐड किया है धनिया, और 3 से 4 टेबलस्पून मैंने ऑयल के डालकर तो इसका बना लिया था अच्छे से डो। डो बनाकर मैंने 10-15 मिनट के लिए छोड़ दिया था। तो चाय भी मैंने साथ साथ रख ली है। तो अभी पैन मैंने ऊपर रख दिया है, अभी उसमें डालूंगी ऑयल। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा और ये डो हमारा अच्छे से मैश हो चुका है। तो अभी इसके बनाएंगे छोटे छोटे से पेड़े। तो ऑयल के साथ ही इनको बनाएंगे, ऑयल के साथ ही इसको बेलेंगे कि थोड़ी सी बड़ी हो जाए पूरियाँ, और बहुत ही अच्छी बनी थी। तो अभी चलते हैं, आप यूं ही हमारे साथ बने रहें और साथ साथ हमारी रेसिपी देखें। तो अच्छे से हो रहा है साथ में ऑयल गरम। तो अभी मैंने 4-5 पेड़े बनाकर रख लूँगी और साथ में फिर पूरियाँ बनाऊँगी। और पूरियों पे आटा वगैरह कुछ भी नहीं लगाना, ऑयल के साथ ही इतने अच्छे से वो बन जाएंगी। तो मैंने थोड़ा छोटा सा नॉर्मल साइज़ किया था, ना इतनी बड़ी हो ना इतनी छोटी हो। तो बस बनाते हैं, और आपने बताना है किस किस के मुंह में पानी आ रहा है पूरियाँ देख के, और किस किस को पसंद है। और ये मैंने पूरी डाल ली है ऑयल में, तो देखे कितनी प्यारी लग रही है, और खुशबू भी इतनी प्यारी आ रही थी क्योंकि आलू थे बीच में और बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो अभी इसको करेंगे हल्का सा फ्राई, गोल्डन गोल्डन करेंगे, फिर इनको निकाल लेंगे। और अब्बू बैठे हुए हैं नाश्ते के लिए, तो सबसे पहले दूंगी मैं अब्बू को। चाय भी हमारी साथ में तैयार हो चुकी है, और संडे स्पेशल नाश्ता भी हमारा तैयार हो चुका है। तो आ जाए गाइस, जिसने खानी है और किस किस को पसंद है आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। और हमारे चैनल को करना है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, वो तो हर वीडियो में ही बोला जाता है। तो पूरी हमारी तैयार हो चुकी है, बहुत ही मज़े और क्रिस्पी। और साथ साथ में ऐसे मैं डालती जाऊंगी पूरियां, और नाश्ता हमारा चलता जाएगा। दाइम के पापा भी करेंगे और अब्बू भी करेंगे, और मैं तो लास्ट में खाऊंगी जब बन जाएंगी। तो मेरी पूरियां तैयार हो चुकी हैं, तो अभी सब ने नाश्ता कर लिया है, अभी मैं रह गई थी, अभी मैं करूँगी नाश्ता। तो चले व्यूअर्स, मैं करने लगी हूँ नाश्ता यमी यमी सा, तो अभी टेस्ट करेंगे, बहुत ही मज़े की बनी है। और चाय मेरी ठंडी हो रही थी, तो दाइम और मैं करने लगे हैं नाश्ता। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।